जो किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, जिनको सड़कों पर रोका जा रहा है, उनकी मांग हमने पूरी कर दी है अपने मैनिफेस्टो में। और हमने अपने मैनिफेस्टो में उनके लिए एक क्रांतिकारी काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान में लीगल गारंटी किसानों की एमएसपी के लिए दिया है हमने, मतलब कानून बनाया है कि उनको लीगल एमएसपी मिलनी चाहिए। जो किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, जिनको सड़कों पर रोका जा रहा है, उनकी मांग हमने पूरी कर दी है अपने मैनिफेस्टो में। जाति जनगणना की मैंने बहुत बात की है, थोड़ा सा आज कहना चाहता हूं। देश में 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी भाई बहन है, 15% दलित है और तकरीबन 15% माइनॉरिटीज है। सब मिलाकर तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी। उसमें आप 5% और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला दीजिए। यह है हिंदुस्तान की आबादी। मगर अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, हिंदुस्तान के बजट को देखें, हिंदुस्तान के धन को देखें, तो इन लोगों की भागीदारी नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आदिवासी वर्ग हैं आप, राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हैं हैंगे ना? ठीक है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। सोच वहां से शुरू होती है। आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? किसान, मजदूर ना था? कौन था? अंबानी था, अदानी था, बॉलीवुड के पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे, उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। दो हिंदुस्तान बने हुए हैं, एक 5% वाला और दूसरा बाकी लोगों का। और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं दिखने वाला।